अगर आप कहीं ऑडिशन या क्लास के लिए जाते हो तो पहली नंबर बात आप टिकट ले लो और जहाँ के लोकेशन है वहाँ के लिए आप टिकट खरीद लो, उसके बाद आगे कहानी को बढ़ाते हैं। मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी कि ये देखो आप बिना पैर के इंसान चल रहे, कितना शक्ति होता है, इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा था अंधेरी का। अंधेरी बहुत ही अच्छा जगह है मुंबई का। आओ आप आओ तो अंधेरी ज़रूर घूमो। और मैं बता दूं कि मैं जा रहा हूं एकता कपूर के जो ICE कंपनी है, मैं वहीं पे ऑडिशन और क्लासेस के लिए, तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या मैंने कैसे किया, क्या गलती की जो आप नहीं करोगे। तो आगे बढ़ाते हैं, अगर हो सके तो आप जिसके कॉन्टेक्ट से जा रहे हो तो उनसे लोकेशन मांग ले और मैप का बहुत उपयोग करें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है आप अनजान जगह पे जाओ। मुझे बहुत ही मैप ने सहायता किया है। और हो सके तो आप बस या मेट्रो या ट्रेन से ही जाए, ऑटो से ना जाए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने क्या गलती कर दी है। तो आप मैप और लोकेशन, ये दोनों चीज़ बहुत ही मैटर करता है, ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ भी आप जा रहे हो तो उन जिनसे कॉन्टेक्ट है उनसे मांग लो मैप और ये चीज़ आप फॉलो उसको करते करते जा। आमची मुंबई सुंदर, यहाँ से थोड़ा ही दूर एकता कपूर का ICE कंपनी इंस्टीट्यूट है, वो थोड़ा दूर ही यहाँ से दूर है। अगर आपको मैप अगर हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दूर है। तो आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं क्या और क्या। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा था, मैंने कवर किया इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आगे बढ़ते हैं, पहुंच गया। अब देखता हूं क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होता है, मैं सब जानकारी आपको दूंगा। ये इनके बिल्डिंग के नीचे ICE लिखा रहता है, तो आपको देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और दूर से ही दिख जाएगा, तो ये चीज़ आसानी हो जाती है अगर आप कहीं दूर से आते हो। तो मुझे भी आसानी हुई, मैंने देखा फटाक से मुझे नज़र पड़ा और मैं गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गेट पे ही एक मैम थी जिन्होंने मेरा नाम पूछा, उसके बाद बैठने के लिए बोला और कुछ फॉर्म दी जो मैंने भरा। उसके अलावा मैंने इधर उधर देखा, चारों तरफ उनके एक्टर्स लोग थे जो फिल्म सीरियल में काम किए थे, उन्हीं का पोस्टर लगाए हुए थे। तो देखने से अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक ही है, बहुत ही अच्छा है। मैंने फॉर्म भरा और उसके अलावा दिया, तो उसके बाद इंतज़ार कर रहा था मैम का। ये सब कुछ बुक्स दी हुई थी मैम ने कि ये बुक्स है, आप इनको देख सकते हैं। फ़ोन कैमरा उतना अलाउ नहीं था, मैंने पूछा नहीं, लेकिन बट बाद में मैंने पूछा, क्लासेस हो रही थी तो कि मैम क्या मैं कैमरा यूज कर सकता हूँ, तो वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं यूज। तो ये उनका बुक्स है जो आपको देंगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो मैंने समझा उस चीज़ों को, देखा कि क्या क्या है, कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने देखा। बहुत सारे थे, क्या प्रोसेस है, कैसे है, कौन कौन से एक्टर कौन से धारावाहिक में काम कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, किसको काम कब मिला, कितने दिनों में मिलता, क्या कौन काम मिलकर कौन कितना कमा रहा है, ये सब प्रोसेस उस सब में लिखा हुआ था। कितने एक्टर्स, ये देख रहे हो कि कितने एक्टर्स इन्होंने फिल्म कौन कौन सी बनाई है, ये सब वो बुक्स में थी। ये सब जो आप देख रहे हो मैं दिखा सकता हूँ आपको सही तरीके से, ये इनका वो सर्टिफिकेट। ये सब होने के बाद जैसे ही बाहर निकला था मैं कुछ देखा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो मैं नज़दीक से इससे, ये कोई थी तो बैठी हुई थी, तो मैं बस ऐसे ही पूछ लिया कि आप क्यों उदास बैठी हुई। तो उन्होंने कुछ जवाब दिया कि बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। उसके बाद मैंने बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो वो लोग कुछ शूट वगैरह कर रहे थे, तो लाइव शूट। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड किया जाए और मैं अपने व्यूअर को ये लाइव दिखाऊं कि कैसे क्या यहाँ पे शूटिंग की तैयारी या सिखाते हैं किस तरह से, या आप इसमें क्लासेस करते हो तो इस तरह के ट्रेनिंग दिया जाता है कि रिहर्सल किया जाता है कि आपको बेटर हो, आप अच्छे तरह से एक्टिंग सीख सको। हम और आप जितने सारे यहाँ पर ऑडिशन के लिए आते हैं या क्लासेस के आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बातें के करके देख कर प्रैक्टिकल और थ्योरी सब में अंतर होती है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब मैंने इस चीज़ को कवर किया। और आप लोगों भी आए तो समझिए कि क्या है नहीं है। पैसे फ़ी तो है कितना ज़्यादा, मैं आगे बता दूंगा कि क्या क्या फ़ी है इनका, वो सब चीज़ें।
अरे कैसे पैसे, क्या पागल हो गए क्या? मैं आपको अरे मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, क्या कैसे पैसे? जब पहले हो कैसे आपको पढ़ा मेरे सामने आज कौन मैं कैसे पैसे भाई? अरे मैं आपके सब जा रहा हूँ अरे यार कब उठा मैं बना जी काट आऊँगा हाथ मत लगा कॉलर छोड़ के मुझे नहीं जानता जब पैसे तो कैसे आपको अरे भाई मैं नहीं जानता तेरे को यार कौन है होशियार मत बन वरना इतनी काट लूंगा तुझे मैं नहीं जानता यार तेरे को कहने के लिए बहुत ही आसान होता है लेकिन इतना ही शूट करने के लिए इन लोगों ने बहुत ही देर आधा एक घंटा लगाया था तो बहुत ही टॉप होती है ये सब चीज़ें। मैं बता दूं कि मैंने गलती क्या की थी, मैंने टैक्सी पे बैठ कर बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि उन्होंने मुझसे पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और वो अपना मीटर भी बंद कर चुके थे तो मजबूरन मुझे देना पड़ा था। हो सके तो आप बेसिकली बस ही पकड़े अगर आप ट्रेन से नहीं जा पा रहे हो या नहीं समझ में आ रहा है तो बस ही टैक्सी ना पकड़े क्योंकि बहुत ऐसे टैक्सी वाले होते हैं जो पैसे ज़्यादा आपसे मांग लेते हैं। तो ये चीज़ के आपको सावधानियाँ बरतनी होगी, जो मैंने गलती की है आप नहीं करो ये सब चीज़ें। आपको बहुत ही खुश नसीब हो कि ये वीडियो आप देखकर समझ जाओगे। कहानी थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी थी। मैंने एक जगह गया और आगे का कहानी मैं जल्द ही दूंगा, जल्द ही बनाकर जल्द ही आएगा। बहुत ही अच्छा वो कहानी होगी क्योंकि मैंने उस चीज़ के नॉलेज का इकट्ठा किया तो वो कहानी बहुत ही अच्छी आने वाली है। और मैं रूम के लिए वापस अब जा रहा हूँ, अब बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस कैसे है तो वो चीज़ आप ज़रूर देखें। मुझे जाते वक्त ये सब दी, मैं बताता हूँ क्या क्या ये सब। ये उनका कुछ फॉर्म है जिसके अनुसार मैं बता दूं आपको जिस तरह से प्रोजेक्ट काम करना हो उन्होंने मुझे समझाया। ये सब है, ये इनका ब्रांचेस, ये उनका क्या बैंक डिटेल्स है जो आप इनको उन पे पैसे दे सकते हो जिस तरह से भी हो। ये भी उनका इंस्टॉलमेंट है जिस तरह के हैं, फर्स्ट टाइम थी जैसे GST इनका लेकर हो जाता है 2,12,000 कुछ, जैसे फर्स्ट बुकिंग देना है आपको 30,000 और 64,000 कुल मिलाकर 2,12,400 रुपये देने हैं। वो भी अमाउंट और प्रोसेस मैंने समझा दिया। यहाँ जो रह रहे हैं उनके लिए आसान ही है, ठीक ही है, बहुत स्टूडेंट कर ही रहे थे। ऐसे आप दूर से आ रहे हो या मिडिल फैमिली के लिए तो उनको ज़्यादा लगेगा ही, तो ये समझ कर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों सबको शेयर करें, आसान होगा। और कमेंट करके बताएं क्या चीज़ अच्छा लगा।